गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर व्हिजिट करा. जुनेद खान प्राणघातक हल्ला प्रकरण. MIDC पोलिसांचे सुयश. 2 आरोपी अजून अरेस्ट करण्यात आले. सुप्रीम कॉलनी पुष्पा पेट्रोल पंपाजवळील प्राणघातक हल्ला प्रकरणात अजून 2 आरोपींना अटक करण्यात आलेली असून एकूण 4 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे. दोन्ही आरोपीस 2 दिवस पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे. 307 गुन्हा दाखल. सलमान मनियार यांच्या तक्रारीवरून MIDC पोलीस स्टेशन जळगाव येथे गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 317/2024 भादवी कलम 307 नुसार पोलीस तपास सुरू आहे. अटक व पोलीस कोठडीत रवानगी. पोलिसांनी यापूर्वी 12 मे रोजी 2 आरोपींना अटक करण्यात आली होती. मंगळवारी 14 मे रोजी पुन्हा 2 आरोपींना अटक करण्यात आली व आज बुधवार 15 मे रोजी त्यांना न्यायालयात हजर केले असता तुषार प्रमोद कोळी यास 2 दिवसांची पोलीस कोठडी दिली व दुसरा आरोपी हा अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला निरीक्षण गृहात पाठवण्यात आले. दिनेश चौधरीची पोलीस कोठडी आज संपत असल्याने त्याला माननीय कोर्टासमोर उभे केले असता त्याला सुद्धा 2 दिवसांची पोलीस कोठडीत वाढ करण्यात आली. अल्पवयीन असूनही खुनशी मानसिकता. सदर प्रकरणी पोलिसांनी 4 आरोपींना अटक केली असून त्यात 2 आरोपी हे अल्पवयीन निघाले आहे ही धक्कादायक माहिती. 4 पैकी 2 कुसुंबा येथील असून 2 हे अशोक किराणा जवळील मेरून येथील आहेत. आरोपींपैकी 2 अल्पवयीन असताना सुद्धा छोट्याशा किरकोळ कारणावरून झालेल्या वादावादीचे रूपांतर प्राणघातक हल्ल्यात करण्यात आले. यावरून या अल्पवयीन मुलांची मानसिकता दिसून येत आहे. यावर योग्य वेळीच समाजाने पालकांनी आणि प्रशासनाने योग्य ती सकारात्मक कारवाई करावी. त्यांचे समुद्वेषण करावे. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते फारुख शेख यांनी केलेली आहे. MIDC पोलिसांची कर्तव्य दक्षता आणि तत्परता. MIDC पोलिसांनी खास करून पोलीस निरीक्षक बबनराव आव्हाड, पोलीस उपनिरीक्षक दत्तात्रय पोटे, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक अतुल वंजारी यांनी या संदर्भात उत्तम अशी कामगिरी केलेली आहे. तसेच पोलीस उपविभागीय अधिकारी गावित साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्या तत्परतेनं आरोपींना अटक करण्यात आली त्यांचे सुद्धा फारुख शेख यांनी आभार व्यक्त केलेले आहेत. या दरम्यान जुनेद खान हा ओम क्रिटिकल मध्ये ऍडमिट असून त्याची प्रकृती सध्या स्थिर असून धोक्याबाहेर आहे. इंडिया 365 अल्हम्दुलिल्लाह. जो सुप्रीम कॉलोनी के पुष्पा पेट्रोल पंप के ऊपर जुनेद खान पर जो जानलेवा हमला हुआ था उसमें 11 मई को जो हमला हुआ था 12 मई को 2 आरोपियों को अरेस्ट किए थे जिसमें से एक नाबालिग था दिनेश चौधरी को आज यानी 15 तारीख तक पुलिस कस्टडी रिमांड दिया गया था. कल यानी कि 14 तारीख को फिर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उसमें से भी एक नाबालिग निकला और एक जो निकला है वो हमारा बड़ा लड़का निकला है जिसका नाम तुषार प्रमोद कोड़ी था. आज तुषार और दिनेश चौधरी दोनों को फिर से कोर्ट के सामने लाया गया. कोर्ट ने दिनेश चौधरी जिसको पहले 3 दिन की PCR दी थी उसकी PCR को बढ़ाते हुए 2 दिन PCR एक्सटेंड कर दिया है और जो आज नया आरोपी हाजिर किए थे तुषार प्रमोद कोड़ी इसको भी 17 तारीख तक कोर्ट ने पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है. आज जो नाबालिग लड़का पकड़ा गया था उसकी भी रिमांड होम में उसकी रवानगी की गई. इस तरह से अभी तक जुनेद खान के प्राणघातक हल्ले में 4 आरोपियों को अटक किया गया है. खास बात यह है कि जो 2 नाबालिग बच्चों को अटक किया गया है ये 2 नाबालिग बच्चों को देखते हुए उनकी मानसिकता का पता लगाना बहुत जरूरी है कि इतने छोटे बच्चे इतनी कम उम्र में जान लेवा हमला कर सकते हैं. इसके लिए समाज प्रशासन और उनके पेरेंट्स ने इस पर ख्याल देते हुए पॉजिटिव थिंकिंग लेते हुए उन पर अपनी मेहनत करना चाहिए उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए वरना ये बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो खो बैठेंगे और वो ना घर के रहेंगे ना समाज के रहेंगे. तो इस तरह से जुनेद के इसमें अटक किया गया है और जुनेद के की भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल की जो है हालत वह थोड़ी सुधर गई है. आज उसने थोड़ी डेवलपमेंट हुई है इसके लिए उसने आज थोड़ा सा अपने आप को वेंटी पे होते हुए भी उसने थोड़ा सा जूस लिया है पानी पिया है और डॉक्टर फिरके से हमने खुद मुलाकात की. उन्होंने भी कहा कि और इस तरह से रहा तो कल या परसों में उनका वेंटिलेटर भी निकल सकता है. अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जुनेद को जल्द से जल्द सेहत दे और साथ ही
ये कोशिश करें कि अभी जुनैद के वालिदैन को इमदाद की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि सब कुछ एडजस्टमेंट होता है, पैसे की एडजस्टमेंट होती नहीं। इसलिए मेरी मुद्देबाना गुजारिश है कि हम लोग उनको सिंपत्ति के साथ साथ कुछ माली इमदाद भी करें। हमने कोशिश की है कि हमारी तरफ से भी हमने कुछ दे दिया है। अब मैं आपको भी अपील करता हूँ कि आप बराए करम उनके वालिद मोहतरम को आके कुछ न कुछ माली इमदाद दें, ताकि उनका इलाज में खर्च जो ज़्यादा हो रहा है वो उसके लिए उनको कुछ सहूलियत हो, उनकी कुछ मदद हो। शुक्रिया। फारूक शेख,